नेक्स्ट आपके पास है नेबरहुड। नेबरहुड को हम डिफाइन करते हैं कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑफ एक्स। अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू यू एंड सबसेट ऑफ एन। ये इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है। मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया एक्स, ये एक्स है। एक्स के नेबरहुड से मुराद एक सेट है। इस सेट को मैं एन का नाम देता हूं। ये जो एन है इस एक्स का नेबरहुड तब होगा जब इस एन के अंदर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता होगा। इज इट क्लियर? मतलब ये एन पहले मैंने लिया तो एन के अंदर अगर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जो एक्स को भी अपने अंदर कंटेन कर रहा हूं तो फिर आप कहेंगे कि वो जो बड़े वाला सेट एन है वो उसका नेबरहुड है। दूसरे लफ्जों में अगर आपने किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालना हो आप एक ऐसा ओपन सेट ढूंढेंगे जिसके अंदर वो पॉइंट पड़ा हुआ हो और उस ओपन सेट के सुपर सेट्स निकाल लें तो वो जो सुपर सेट्स होंगे उस ओपन सेट के वो उस पॉइंट के नेबरहुड होंगे। मसलन ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एबीसी और टोपोलॉजी पर मैंने इस तरह से डिफाइन करके दी हुई है। अब मैं इज अ टोपोलॉजी नेक्स्ट मैं ए का नेबरहुड निकालना चाहता हूं। नेबरहुड की ये नोटेशन होती है इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। जिसका नेबरहुड निकालना उसको सब सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। ए का नेबरहुड निकालने के लिए एक ऐसा ओपन सेट तलाश करें जिसमें ए मौजूद हो, ये वाला है। अब इस ए के तमाम सुपर सेट्स बना लें। एक तो ये खुद ही हो जाएगा सुपर सेट, दूसरा इसका सुपर सेट बनेगा ए बी, तीसरा सुपर सेट बनेगा ए सी और चौथा सुपर सेट बन जाएगा एक्स। तो ये चारों ए के, ये चारों ए के नेबरहुड है। इसका मतलब है किसी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह अगर बी का नेबरहुड निकालना चाहते हैं, बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट टोपोलॉजी में देखें तो बी वाला तो कोई सेट नहीं है, सिर्फ एक्स ही ऐसा ओपन सेट है जिसमें बी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ इसका नेबरहुड कौन बनेगा, एक्स इटसेल्फ बन जाएगा। एक्स अपने आप को अपने अंदर कंटेन करता है तो ये इसका बी का नेबरहुड सिर्फ एक्स आएगा। सी का नेबरहुड निकालने के लिए सी को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है, सी का सुपर। अब इस ओपन सेट के सुपर सेट एक तो ये खुद आ जाएगा अपने आप का सुपर सेट और एक एक्स आ जाएगा। तो सी के नेबरहुड ये दो एलिमेंट्स, दो ओपन ये सेट्स बन जाएंगे। अच्छा अब यहां पर एक बात काबिले गौर है, ये जो ए के आपने नेबरहुड निकाले हैं इनमें से ये जो पहला सेट ए वाला है सिंगलटन सेट ये ओपन है, टोपोलॉजी में पड़ा हुआ है। ए बी जो है ये ओपन नहीं है, ये टोपोलॉजी में नहीं है। ए सी भी ओपन है और एक्स भी ओपन है। मतलब ए बी इसका नेबरहुड है लेकिन ओपन नहीं है। तो बताना ये मकसूद था कि जो नेबरहुड होता है वो लाजमी नहीं है कि ओपन हो। हाँ अपने अंदर एक ओपन सेट को लाजमी कंटेन करेगा लेकिन खुद लाजमी ओपन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो किसी पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड जो ओपन सेट भी हो वो ओपन नेबरहुड कहलाता है। ये नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। रिमार्क में यही बात लिखी है कि अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज नॉट नेसेसरीली एन ओपन सेट बट इफ अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज एन ओपन सेट देन सच अ नेबरहुड इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड। जी इन एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ईच पॉइंट हैज अ सिंगल नेबरहुड। क्योंकि इनडिस्क्रीट में आप मसलन इसी सेट के ऊपर आप इनडिस्क्रीट बना लें। अब ए का नेबरहुड लेने के लिए ओपन सेट तलाश करें जिसमें ए मौजूद हो, वो एक्स ही है। तो
तो इसका मतलब सिर्फ उसका एक ही नेबरहुड एक्स बन जाएगा, ए का नेबरहुड एक्स आएगा, बी का नेबरहुड एक्स आएगा, सी का नेबरहुड भी एक्स आ जाएगा। जी तो ये आपके पास नेबरहुड की डेफिनेशन और ओपन नेबरहुड। अच्छा, यूजुअल टोपोलॉजी जो थी, जो आप रियल लाइन के ऊपर डिफाइन करते हैं, टा से डिनोट कर लें या यू से डिनोट कर लें, ये यूजुअल टोपोलॉजी में सारे ओपन इंटरवल होते हैं। मसलन कोई भी रियल नंबर, जैसे मैं 2 पिक कर लेता हूं, इस 2 का नेबरहुड क्या होगा? इस 2 का नेबरहुड, ये जो क्लोज्ड सेट है ना, 2 माइनस आर और 2 प्लस आर, ये इसका नेबरहुड होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जी इसके अंदर अब हम बात कर रहे थे, ये 2 माइनस आर, मतलब मैंने यहां पर 2 से थोड़ा सा पीछे ये 2 माइनस आर ले लिया और 2 प्लस आर ले लिया और क्लोज्ड सेट बना लिया। मैं इसको क्यों नेबरहुड कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ओपन इंटरवल बनाता हूं 2 माइनस आर और 2 प्लस आर, तो ये इसका सबसेट तो होगा। ठीक है, 2 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये इस ओपन इंटरवल को अपने अंदर कंटेन कर रहा है जिसमें 2 मौजूद है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल इसका नेबरहुड होगा। इसी तरह अगर हाफ ओपन बना लेते 2 माइनस, वो भी इसका नेबरहुड बन जाना था, तो ये भी इसका नेबरहुड होगा। इस तरह राइट लेफ्ट साइड पे अगर आप क्लोज कर ले फिर भी बन जाएगा। ये जो ओपन इंटरवल है, ये भी इसका ओपन नेबरहुड होगा। तो रियल लाइन में या यूजुअल टोपोलॉजी में इस तरह से आप 4 किस्म के नेबरहुड बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नेबरहुड सिस्टम। आप ऐसा करें कि किसी पॉइंट के तमाम नेबरहुड निकाल के उनको सेट में बंद कर दें, वो नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा, और इसको n ऑफ x से डिनोट करेंगे। मसलन वही प्रीवियस एग्जांपल वाली टोपोलॉजी ली मैंने, a के 4 आपके पास नेबरहुड निकले थे, उनको मैंने एक सेट में बंद कर दिया, ये उसका नेबरहुड सिस्टम बन गया। b का एक ही नेबरहुड था, उसको मैंने सेट में बंद किया, ये उसका नेबरहुड सिस्टम है। इस तरह c का नेबरहुड सिस्टम आ गया। यहां पर कुछ रिजल्ट्स हैं नेबरहुड के ऊपर। Let X be a co-finite topological space and X is any arbitrary point of X, then every neighborhood of X is an open set. Co-finite topology में आप जो भी point pick करेंगे उसका जो neighborhood होगा वो open neighborhood होगा। X एक topological space है, then a subset A of X is open. अच्छा, ये जो theorem 2 है very important है, ये necessary and sufficient condition है open set होने के लिए। कोई set open set कब होता है? If and only if A is neighborhood of each of its points, अगर वो अपने हर point का खुद ही neighborhood हो, तो उस सूरत में वो open set बन जाएगा। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मसलन देखें यहां पर ये जो ए सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है और ये उसका नेबरहुड है, लेकिन ये जो ये वाला सेट था ए बी, अब ए का नेबरहुड तो ये खुद है, लेकिन ये वाला सेट बी का नेबरहुड तो नहीं है। मतलब इस सेट के अंदर, ये जो सेट ए बी है, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हुआ है कि ये जो सेट खुद है ना, ये सारा सेट बी का नेबरहुड नहीं है, तो इस वजह से ये सेट ओपन नहीं हो सकता। ए सी की अगर आप बात करते हैं, तो ये वाला सेट जो है, ये ए का भी नेबरहुड है, सी का भी नेबरहुड है, तो इसलिए ये ओपन है।
कोई सेट उस वक्त ओपन होता है कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो अपने अंदर कंटेन करने वाले हर एलिमेंट का नेबरहुड हो, तो फिर वो ओपन सेट होता है। थर्ड थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट एक्स देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये जो सुपर सेट है ए का ये भी एक्स का नेबरहुड होगा, और नेबरहुड सिस्टम इज नॉन एम्प्टी, मतलब उसका एटलीस्ट एक्स तो उसका नेबरहुड होता ही है ना हर एक एलिमेंट का, तो इसलिए ये नेबरहुड सिस्टम जो होता है ये नॉन एम्प्टी होता है। एग्जाम्पल यहां पर आर आपके पास एक यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो का नेबरहुड बताना है आपने। ये वाला जो सेट आपने लिया हुआ है ये इसका नेबरहुड नहीं हो सकता, उसकी वजह क्योंकि इस जीरो का नेबरहुड बनाना है ना, तो जीरो को कंटेन करने वाला कोई भी आप एक सेट पिक करें, जैसे मैं पिक कर लेता हूं माइनस स्मॉलेस्ट रेडियस के साथ 0.1 और दूसरी साइड पे 0.1। अब आप देखें ये तो हो गया -1 और ये हो गया 0। अब ये जो ओपन इंटरवल आपने बनाया ये इसके गिर्द इस तरह से होगा। अब ये इसकी जो राइट साइड है ये तो इस इंटरवल से बाहर निकल गई, इसका मतलब है कि जीरो का जो कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल है वो तो इसका सबसेट है ही नहीं, इसलिए ये इसका नेबरहुड नहीं है। इसी तरह इसको चेक कर लें तो ये भी जीरो को कंटेन करने वाला नेबरहुड उसकी लेफ्ट साइड पर बाहर निकल जाएगा, ये भी उसका नेबरहुड नहीं है, और इस सेट में तो जीरो ही मौजूद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इसका नेबरहुड है, इसके सेंटर में वो जीरो पड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे हम, ये जीरो है और ये 1/2 आ गया और ये आपके पास -1/2, तो इसका अगर आप नेबरहुड बनाएंगे जीरो का तो वो इंटरवल के अंदर रहेगा, तो वो नेबरहुड जो सॉरी ओपन इंटरवल है उसको कंटेन करने वाला वो उसके अंदर ही सेट के रहेगा, तो ये ओपन सेट इसको कंटेन कर ले, इसीलिए ये इसका नेबरहुड होगा। जी यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसमें अब अगर आपको कोई